झांसी में एक बार फिर से अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ झांसी जिला प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। सदर तहसील क्षेत्र में एक मामले में तहसीलदार सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जिले के शातिर अपराधी गुलशन यादव के अवैध कब्जे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। शिकायत पत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1000 वर्ग मीटर की जमीन को अपराधी गुलशन यादव के कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर लंबे समय से भैंस का तबेजा चलाया जा रहा था। फिलहाल पूरी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र के आधार पर भी प्रशासन, राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। फिलहाल जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से एक बार फिर से अपराधियों की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरह से बुलडोजर अपराधियों के अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर चल रहा है, उसको लेकर के अपराधियों में खौफ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों की तलाशी की जा रही है। सर देखिए, यहाँ पर हदबंदी के दो हमारे प्रार्थना वो मिले थे जो कोर्ट से हमें आर्डर हुए थे, इसमें उर्मिला और अंकित अग्रवाल दो लोगों के हदबंदी के आदेश कोर्ट से प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर यहाँ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोग उपस्थित होकर हदबंदी की कार्रवाई किए हैं, जिसमें पाया गया उर्मिला देवी की लगभग 1000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा इनका गुलशन यादव का तबेले के रूप में किया गया था, तो उसको जो है जो कब्जा उनको दिलवाया गया उर्मिला देवी को जी। दूसरा अंकित अग्रवाल का जो था उसका उसके उस पर कोई गुलशन का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया, तो सिर्फ 1000 वर्ग मीटर पर उर्मिला के ही जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। इसका मूल्यांकन कितना हुआ? ये लगभग 90 लाख की जमीन होगी जिस पर अवैध अतिक्रमण था जी। ओके, थैंक यू।